हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ अरीशा फ्रॉम अरीशाज़ कलेक्शन। एज यू कैन सी कि जो इनको फ्रंट थिनिंग है उसको हमने इनविजिबल पैच से कवर किया है और ये बहुत ही सीमलेस सा पैच है। और अगर आप देख सकते हैं कि ये एक कैंसर पेशेंट हैं तो इनको बिल्कुल भी बाल नहीं है और इनको हमने फुल हेड विक से कवर दिया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ही नेचुरल लुकिंग है और ये लगाने से बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि आपने कोई आर्टिफिशियल सी विग वेयर की हुई है। एग्जैक्ट अगर आप सेम वीडियो इसको भी देखें तो इसमें भी यही हुआ हुआ है जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में था कि जिनको एक कैंसर की बीमारी थी तो उन्होंने इस तरह से कवर किए हुए थे। अब आप ये वाला देखें तो इसमें सीमलेस पैच मैंने जो है वो इसको लगाया हुआ है और इनकी जितनी हेयर थिनिंग थी ये सारी ही कवर हो चुकी है। और ये एक बहुत छोटा सा और बहुत ही ईज़िली आप इसको कैरी कर सकते हो। नाउ यू कैन सी कि ये जो बन है ये मैसी सा है, एकदम आपके बालों में बहुत ही प्यारा सा वॉल्यूम दे देता है। अगर आपका बहुत छोटा सा बन बनता है तो आप इस तरह के बन लगा सकते हैं। अच्छा, तो अब हम जो नेक्स्ट दिखाने लगे हैं ये टेपिन एक्सटेंशन है। ये सीक्रेट एक्सटेंशन होती हैं बेसिकली, इसमें कोई क्लिप वगैरह नहीं होता। ये एक ग्लू के ज़रिए आपके बालों में अटैच हो जाती हैं और ये सेमी परमानेंट एक्सटेंशन होती हैं। तो मैं ये लगा के आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसको अपने बालों में लगाया और इसके ऊपर आपने कुछ सेंटीमीटर बाल रख दिए तो वो इनविजिबल होती है और ये कवर हो जाती है, इस तरह से निकल भी जाती है।